चार बार विधायक रहा, तीन बार कैबिनेट मंत्री का स्टेटस रहा, कोई गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप, डिग्री कॉलेज, होटल नहीं खोला आज तक। और आजकल के विधायक पहली बार बनके अपनी बहनों तक की जमीन पे कब्जा कर। लंडौरा रियासत के हम राजा थे सब जानते हैं, और मेरे दादाजी राजा बलवंत सिंह लंडौरा रियासत के अंतिम शासक थे। जब 1750 में तत्कालीन लंडौरा रियासत के राजा रामदयाल सिंह जी द्वारा रंग महल का निर्माण कराया गया तो एक भट्टा लगाया गया था। भट्टे के लिए ईंट वहाँ से मिट्टी खोदी गई, मिट्टी खोदने से वहाँ गड्ढे बहुत बन गए और उसमें पानी भी भर गया। तो वो जमीन वहाँ जो मौजूद थी 13 बीघे के आसपास जमीन है भट्टे की। 1950 में सरदार पटेल जी ने जमींदारा खात्मा कर दिया था, राजा खत्म हुए थे रजवाड़े। 1951 में फाइनल वर्डिक आ गया था। 1952 में भी रजवाड़े समाप्त होने के बाद भी उस भट्टे पर राजा बलवंत सिंह का नाम है मेरे दादाजी का। तो हमने कभी सोचा नहीं, हमारे पिताजी ने, ताऊजी ने कभी नहीं सोचा ऐसा करेंगे। कुछ समय पहले 30 साल पहले नसीम अंसारी हमारे छोटे भाई हैं, उनसे कह दिया था आप देखभाल करिए। वो मछली पालन कर रहे थे, खेती कर रहे थे उसी ज़मीन पर, क्योंकि खेती हम नहीं करते, 1000 बीघा ज़मीन है, हमारे यहाँ लोग खेती करते हैं। पता लगा कि अरे भैया पिछले साल किसी ने अपने नाम चढ़वा ली, कोई जुल्फिकार नाम का भूमाफिया है, गुंडे हैं, पता नहीं कहाँ खादर से गांव से भाग के आए हैं, गांव वालों ने उनको भगा दिया था, गुंडे हैं वो, उठाई गिर, पटवारी से कानून को से उन्होंने घालमेल करके उनको रिश्वत देके कूट रचित रचना से एक राय होकर के सरकारी दस्तावेजों में गलत रिपोर्ट लगाई। ये मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई है, ये कानून को का विरोधाभासी बयान है, मैंने आपको दिखाया। इसमें कानून को पहले लिखते हैं कि यह नंबर नगर पंचायत व राज्य सरकार की संपत्ति है, देख लो, ले लो भैया इसमें, और आखिर की 2 लाइन में लिख देते हैं कि यह नंबर तो जुल्फिकार के बुजुर्गों का है और नगर पंचायत की संपत्ति नहीं है। तो ये सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी डॉक्यूमेंट जो मुझे मिला है, मैं इसका संज्ञान लूंगा कोर्ट में भी और पुलिस में भी, और पुलिस में फ्रॉड का मुकदमा दर्ज कराऊंगा, धारा 467, 468, 471 और 420, 10 साल की सजा होगी इनको, इस पटवारी को भी, और ये तीनों जो भूमाफिया वाले हैं जुल्फिकार और इसके भाई, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा आज ही, इंशाल्लाह आज ही कराऊंगा। नसीम जी का क्या कह रहे हैं? आइए, मुझे सामने सर छोड़ रखा था वहाँ पे, मैं मछली पालन करता था जी उस तालाब में, और ऊपर जो हमारी 13 बीघे जमीन थी, साहब ने मुझे बच्चे पालने के लिए दे रखी थी, मैं इनका पड़ोसी हूँ, उससे 30 साल से उस पर मैं ही जमीन पे खेती करता था, और आज भी हमारा ही कब्जा है। विधायक भूमि है जिस पर दूसरी पार्टी अपना विवादित नहीं है, हमारी आप ही की है, मतलब वो 1.5 साल से काम चढ़ी है उनके, तो ये कितनी भूमि होगी, मतलब 13 बीघे, और इसमें जो भट्टे वाला एरिया जिसमें पानी भरा हुआ वो एरिया कितना होगा? वो तो सैकड़ों बीघे में है, वो तो सैकड़ों बीघे है। इसकी माली कीमत कितनी होगी? भाई मैं प्रॉपर्टी डीलर तो हूँ नहीं, डीलर जो डीलर से पूछो, मैं तो समाज सेवक हूँ। नहीं, हमारा कोई हिसाब नहीं, हमारा हिसाब है पुश्तैनी जमीन, हम जमीन बेचते नहीं है, हमारा है कि हम पूर्वजों के सम्मान के लिए राजनीति कर रहा हूँ भाई साहब। विधायक रहा, 3 बार कैबिनेट मंत्री का स्टेटस रहा, कोई गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप, डिग्री कॉलेज, होटल नहीं खोला आज तक। और आजकल के विधायक पहली बार बनके अपनी बहनों तक की जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, गरीब आदमी को दे रखे जी, उनके होटल खोल रहे हैं। कानू को नहीं पता था कि रियासत की जमीन है, और सब पता था, ये कानू को नहीं तो रिपोर्ट दी, पैसा लिया है। लैंग्वेज पढ़िए ना, सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी, पहले लिख रहा है कि नगर पंचायत और राज्य सरकार की है, फिर लिखता है नहीं जुल्फिकार और उसके बाप की है, नगर पंचायत की नहीं, इसी से जेल जाएगा, डॉक्यूमेंट निकलवाए मैंने। ये मुझे नहीं पता, किसी गांव से भगाए खदेड़े गए हैं, अपराधी थे, भगोड़े हैं, इंशाल्लाह। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपने जो बचपन विधायक है उमेश कुमार जी, उनके लिए भी आपने कहा कि सिक्योरिटी हटी है उनकी, क्या हटवाइए? किस तरह की हटवाइए? भगत सिंह जी हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, ओबीसी में प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य हैं, उन्होंने मुकदमा डाला कि इनको सरकार के खर्चे पर क्यों का पैसा ज़ाया कर रहे हैं, टैक्स पेयर का मनी ज़ाया कर रहे हैं, जबकि अपराधी है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि अपराधी को सुरक्षा नहीं मिलेगी, इनके ऊपर 307 का भी केस है, 376 बलात्कार जैसे संगीन जुर्म है,
उस सबका संज्ञान लिया और जब सिक्योरिटी हटी। बिल्कुल आया है सरकार के पास है, क्या कह रहे हैं जी? कब की थी तो हम पूछ लेते हैं मुख्यमंत्री से। सिक्योरिटी हटी नहीं है क्या? गार्ड नहीं हटी घर से? मैं पूछ लेता हूँ। वैसे हटा दी गई सिक्योरिटी, ये पक्का है। वो दो चार दिन ऑर्डर को आने में लग जाते हैं हाईकोर्ट से, 10 दिन बाद मालूम करिएगा। दस दिन बाद मालूम करिएगा। समय लगता है ना, हाईकोर्ट से सरकार में, सरकार से जिले में, जिले से यहाँ, तो समय लग जाता है। अभी आदेश हुआ है ना, तो उनके साथ एक गनर रहेगा। एक गनर। और जैसे लोकसभा का भी दावा कर चुके हैं, लोकसभा के भी प्रत्याशी हैं, तो ऐसे में सिक्योरिटी होनी नहीं चाहिए उनके? लोकसभा का दावा तो सब कर रहे हैं, किसके साथ है, किसके साथ है बताओ? दावा करने से शेख चिल्ली कहने लगे देखो मैं ताजमहल का मालिक हूँ, मैं बेनाम कर दूँ लाल किले का, मान लोगे? तो शेख चिल्ली तो है, झूठ बोल रहा है।